शॉर्ट्स। इन दिनों अगर बिहार में भोजपुरी का कोई मुद्दा चल रहा है तो वो कोई गाना नहीं, कोई फिल्म नहीं, बल्कि खेसारी लाल यादव और भवन सिंह की लड़ाई है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम लड़ाई उसी बात की जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर कुछ दिन पहले भवन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5000 रुपए लेकर कहीं पे शो कर देता है। तो वही दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर खेसारी लाल यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि शराबी तक कह डाला भवन सिंह को। जी हाँ, इशारों में जब इतनी लड़ाई हो ही रही है तो आज हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये मुद्दा क्या है। क्या ये मुद्दा सिर्फ बॉलीवुड के गानों के लेकर है? आपको क्या लगता है कि क्या एक गाना करने से क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इतने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे, एक दूसरे को भद्दी गाली देने लगेंगे? जी नहीं, मामला कुछ और है। जरा याद करिए वो दिन जब चर्चाएं बस इसकी होती थी कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में क्या हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ जिक्र अक्षरा सिंह की क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले एक गाना आया था, मैं पानी पानी हो गई, जिसमें बादशाह ने पहली बार भोजपुरी में रैप किया था। अब एक बार फिर से बादशाह आ रहे हैं, फिर से भोजपुरी गाने में आ रहे हैं, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव के संग नहीं बल्कि पवन सिंह के साथ आ रहे हैं। लेकिन कॉमन पता है क्या है? अक्षरा सिंह। जी हाँ, बहुत दिनों बाद पर्दे पर अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ तो आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके थोड़े दिन बाद ही पवन सिंह इतना बमक गए? कहीं ये खुन्नस तो नहीं है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सिचुएशन देख के लग रहा है, क्योंकि जो चीजें अभी हो रही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव आज फेमस नहीं हुए हैं, खेसारी लाल यादव बहुत दिन से फेमस है, बहुत दिन से उनकी चर्चाएं हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पवन सिंह इतना बमक गए? बमकने का रीजन एक भी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव लंबे अरसे के बाद बड़े पर्दे पर अक्षरा सिंह के साथ आए। आपको वो दिन याद है जब अक्षरा सिंह ये कहती हुई नजर आती थी कि पवन सिंह की वजह से कई इंडस्ट्री के बड़े स्टार मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कई इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार है उन्हें बाइकआउट कर दिया है, उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। जब एक बार फिर से अक्षरा सिंह बड़े पर्दे पर आई है, वो भी खेसारी लाल यादव के संग, और पवन सिंह का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट होता है। जी हाँ, क्योंकि अचानक से पवन सिंह का ये बयान, फिर खेसारी लाल यादव का जवाब देना, और ठीक एक वीडियो से पहले जब अक्षरा सिंह उस वीडियो में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। जी हाँ, इस गाने की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। ये वीडियो मिलियन में भी जा चुका है और चर्चाएं खूब हो रही है, लेकिन ठीक उसके बाद पवन सिंह बमक जाते हैं, कई गंभीर आरोप खेसारी लाल यादव पे लगाते हैं, फिर खेसारी लाल उनका जवाब भी भली भांति देते हैं। लेकिन बीच में जो कॉमन फैक्टर है, जो सबको नजर कहीं ना कहीं आ रहा है कि आखिरकार पवन सिंह जो ये मुद्दा उठा रहे हैं बॉलीवुड का और 5000 रुपए में गाने का, कहीं सबकी वजह अक्षरा सिंह तो नहीं है? क्या अक्षरा सिंह से अभी भी वो कुछ कहना चाहते हैं? क्या अक्षरा सिंह से अभी भी वो गुस्सा है और उस गुस्से को जग जाहिर कर रहे हैं, ना डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली खेसारी लाल यादव को ताना करके, खेसारी लाल यादव पर तंज कसके अक्षरा सिंह को तो कहीं कुछ वो नहीं संदेश देना चाहते हैं? ये सारे सवालों का जवाब हम आपके लिए छोड़े जाते हैं कि पवन सिंह का जो गुस्सा है, जो खुन्नस है, वो क्या सिर्फ इसी वजह से है कि खेसारी लाल यादव 5000 रुपए में स्टेज शो करते हैं, खेसारी लाल यादव बॉलीवुड में चले गए, या फिर अक्षरा सिंह बड़े पर्दे पर पहली बार खेसारी लाल यादव के संग एक बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ आई हैं और ये गाना मिलियंस में चल रहा है, ये गाने में खूब सुर्खियां बटोर रही है अक्षरा सिंह। और पहले की अगर बात करें तो अक्षरा सिंह ही वही एक्ट्रेस है जब लगातार वो कहती हुई नजर आती थी कि पवन सिंह उन्हें काम करने से रोक रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद ये पवन सिंह का रिएक्शन कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब आप भी ढूंढिए और हम भी ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देखेंगे कि आखिरकार जो ये झगड़ा शुरू हुआ है, ये झगड़ा खत्म कहाँ होता है, ये लड़ाई कहाँ तक चलती है, ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में बड़े छोटे होने की जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो लड़ाई चल रही है, ये कहाँ तक चलती है? और हमने जो आज कई सवाल के जवाब आपसे मांगे हैं, क्या इस झगड़े में जिक्र अक्षरा सिंह का भी होता है, या फिर यूं ही इशारों में झगड़े होते हैं, ये देखना अभी बाकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।